तेरे को लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हो सर? चुपचाप टिक के घर पे बैठ जा, एक दो हफ्ते नहीं एक दो महीने चुपचाप घर पे पड़ा रहे, वरना इतना याद रखियो। ओके, हाइट में ज्यादा ऊंचा हो गया होगा, है अभी भी छोटा। तू रवे कोल मेरे ही अरदास करूं, क्यों इन गानों में भी तेरी ही मैं बात करूं, तू इन्नी सोनी लगती राती जीवे मून बेबे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज महालक्ष्मी का व्रत है जो कि बच्चों के लिए रखा जाता है और इसमें पानी भी नहीं पीना होता, तो इसलिए आज मैंने क्या करा, सुबह सुबह ही रात तक का खाना बना लिया। मैंने कहा इससे पहले कि बैटरी डाउन हो तो पहले ही सारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब तैयार करके रख दो। अभी हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ लेकिन रात तक का खाना मेरा पूरा बन चुका है, क्योंकि आज हमने प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, कुछ भी नहीं करना, तो इसलिए मैंने बिना प्याज के दाल और चावल बना लिए हैं। और ब्रेकफास्ट मलन साहब कर चुके हैं, बस बाकी दो जनों की कमी है, वो जैसे ही आएंगे उनको ब्रेकफास्ट करवाएंगे और फिर शाम की पूजा की तैयारी करते हैं। और ये देखो भाई साहब की फिर से तैयारी शुरू है। देखो मैंने ना इतने सारे प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन करे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स डिक्लाइन करे, क्यों? क्योंकि सीएम वाली वीडियो डालनी थी, एडिट करानी थी, मैं चाहता था पर्सनल टच हो मेरा इसमें, क्योंकि इतने प्यार से अब वो फाइनली डल गई है, अब मैं करूंगा बाकी सारे प्रोजेक्ट्स। अबे प्रोजेक्ट्स के घर से निकल तू। क्यों? हमें हमारे घर में ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो घर में रहता ही ना हो। इसको निकालो भाई, हमें नहीं चाहिए। सही बात है, अब ये घर का मेंबर थोड़ी है। अबे तू जा, निकल निकल। देखो कल मैं आया, एक कितने दिनों बाद घर पे था, कितने दिनों मैंने क्या करा, एक महीने में एक दिन घर पे रहा है। उसने भी तेरी वीडियो बनवाई, मेरी वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है तू? 10 मिनट बैठ गया, इम्पोर्टेंट है तू भाई, तू रहने दे, घर पे नहीं चाहिए हमें। देख तू इम्पोर्टेंट है तभी तो हम कहते हैं ना तू घर पे रह, तू रहता नहीं है घर पे, आता है नहीं, एक दिन दिखता है उसके बाद फिर एक महीना गायब हो जाएगा। आधा पादा कौन पादा, किसमें ताकत सबसे ज्यादा? तू ही सबसे ज्यादा है भाई, इतना पादता है भाई क्या बताओ। नोनू दादा मम्मी इसको यार बेदखल करो भाई घर से, हमें नहीं चाहिए। विल लेके आओ पापा की। नहीं नहीं इसको भाई, उससे तो मत बेदखल करो, उसमें तो रहने दो। इसको निकालो भाई, इसको घर के बाहर फेंक दो, हमें नहीं चाहिए। चल आइयो ही मत अब वापस, वहीं रह। कहाँ जा रहे? कसौली। वहीं रह, कसौली क्या करने जा रहे? शूट। कौन सा शूट? म्यूजिक वीडियो। एक बात बता, हर दूसरे दिन कोई ना कोई म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा होता है, आता तो है नहीं। अबे अभी सीएम वाली वीडियो में फोकस था ना, अब पिछले एक महीने में 4 बार तो मेरे को म्यूजिक वीडियो के शूट पे हो। कहाँ है वीडियो? बस बन रही है म्यूजिक वीडियो के, कौन से एक ही तो करा अभी तक जुदाई है। उसके बाद तो अब 10,000 बार तो कोई शूट पे गया है, अब गाना कोई आता है नहीं म्यूजिक वीडियो शूट। मेरी क्या गलती है? देखो नेटफ्लिक्स की वीडियो शूट करके वो अब तक पता नहीं, वो सीरियल जो आना था वो थोड़ा हो गया पोस्टपोन। मैं सही बोल रहा हूँ ना, जाता है ये शूट करने वो शूट करने, कुछ आता तो है नहीं। आता जो आना चाहिए था वो आ गया है यूट्यूब पे, फुकरा इंसान सीएम फॉर 24 आवर्स, वो देखो। बाकी जो सब जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक अपनी भी आ जाएगी, मॉम वर्सेस ब्रो वो भी आ जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आएगा बहुत जल्द जो लोगों को चाहिए। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, हमें तू जा यार, तू घर से बाहर ही रहकर पूछ लो इनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है किस बारे में? अबू फिर जा रहा है गोल कर। अपने घर में ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो घर पे रहता ही ना हो। अबे अपने घर में 4 लोग चाहिए, वो रहता ही नहीं। शूट पे जा रहा है, गाने के हर दूसरे दिन तो गाने के शूट पे जाता है। हमें 4 बंदे चाहिए तो फिर इसकी शादी कर, ज्योति अपने आप आ जाएगी। ये नया ट्रैक आ गया भाई, तरीका यही है, हर जगह यही आ जाता है। उसको बोलो भाई क्या म्यूजिक वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, कभी घर पे भी बैठ जाए अगर 2 दिन तो रुक ले। उसका दूसरा सलूशन ये है कि उसकी शादी कर देते, फिर तो और ज्यादा घूमेगा। कहाँ घूमेगा, खड़ा रहेगा घर पे। मेरे पास एक ही सलूशन है, शादी कर दे, और अभी ये थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन और बढ़ा तो कहेंगे मेरी दूसरी कर दे। अरे तो इनके मम्मी पापा ने यही किया था ना, उन्होंने कहा बेटा तो भाई मेरे से एक नहीं संभलती, मैं और कहाँ संभाल लूंगा। उन्होंने कहा हमारा बेटे का तो कुछ होना नहीं है, चलो शादी कर देते। मेरे से एक ये माता जी ने संभलता तो मैंने और कहां से संभाल ली। तू कभी घर पे टिक जाया कर, बैठ लिया कर 2-4 हफ्ते बैठ के घर पे। इतनी मेहनत करने की हम 2 गाड़ी ले सके, पोर्श और बेंटली, और उसके अंदर हम बोले रखा पोर्श ले बेंटले दी जो। तेरे को लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हो सर? चुपचाप टिक के घर पे बैठ जा, एक दो हफ्ते नहीं एक दो महीने चुपचाप घर पे पड़ा रहे, वरना इतना याद रखियो। ओके, हाइट में ज्यादा ऊंचा हो गया होगा, है अभी भी छोटा।
तो वो तो तू रहता ही है, वीडियो में देखा टी शर्ट यहाँ तक गिर रही होती है, ऊपर करके उठाता है। पिछली वीडियो की बात है, यहाँ यहाँ तक इसकी वो गिर रही है सड़क पे चलता हुआ, फिर ऊपर करके उठा रहा है। और मैं वीडियो देख रहा हूँ, साले दो बटन तो बंद कर ले। नया ट्रेंड है ये लड़कों का ऑफ शोल्डर, बस अंदर सैंडो पहनो ऊपर ऑफ शोल्डर कपड़े पहनो, पूरे पैक फुल पैक, बटन बंद भी नहीं। मेरा प्रोटेक्टिव ब्रदर, पोजेसिव बॉय, नजर नहीं पड़नी चाहिए किसी की। अबे तेरे छाती के बाल ना दिखे इसलिए कर रहा हूँ ऐसे राघव। इसको ये नहीं पता कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, आपने कौन सा कार रखा था। हमारे पास एक्चुअली सर पैसे बहुत कम है, लेंस के नहीं है हमारे पास, लेंस नहीं है। बताओ लेंस देखो किस में डाल रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं। ये पानी डाला था आपने? जी नहीं, लेंस सॉल्यूशन, वो भी मैं संभाल के रखती हूँ। बताओ तेरे लेंस। अरे कौन सा ये, इतनी जल्दी लग जाए ऐसा हो नहीं सकता। तेरे को आते ही नहीं लगाने। सच बात है, एक बार लगाता है फिर फेंक देता है, फिर नए बनते हैं लेंस। कसम से भाई ये बेचारे वेट कर रहे हैं। चश्मा क्यों, क्या कर रहे हैं, चश्मा क्यों नहीं पहनते? चश्मा भी एक बार पहनता है फिर पता ही नहीं होता कहाँ है, अभी फिर दोबारा बनवाए नए। अरे आजकल प्रशांत, अरे आजकल प्रशांत वेला ही घूम रहा है, इसको पिए रख लो ना। लेंस भी डलवा दिया करेगा है, चश्मा लेंस सब, हाँ, सब संभाल लेगा। मिशन सक्सेसफुल। देख गाइज, ये बॉस का टास्क है, ये तो टास्क है के बाय। जय माता दी, गॉड ब्लेस, जीते रहो और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आफ्टर वेरी लॉन्ग गोइंग फॉर सम वर्क। ओके पिताजी, यार पैसे नहीं चाहिए दो भाई। क्या बात है, आज तो अपने आप पूछ रहे हैं पैसे नहीं चाहिए। वो ये कैसे हो गया, लगता है थोड़े से बंदा फुक रहा है, थोड़े दिन से मैं पैसे, वैसे नाम फुक रहा है इसका, वैसे थोड़ा कोई फुक रहा है बंदा, वैसे डिसेंट बस नाम, नाम से ही फुक रहा है। आज तो शुभ दिन चढ़ा है, मलन साहब खुद पूछ रहे हैं पैसे। ओके, तो अभिषेक चला गया अपना वीडियो शूट पे और पूजा भी मैंने कर ली। अभी निश्चय आया नीचे और मेरे से ना सेल मांग रहा है, तो उसको पूछती हूँ कि सेल क्या करने हैं, क्या करने हैं आपने सेल? ला के तो दो, फिर दिखाऊंगा आपको कुछ मजेदार है। क्या है ये? अरे लेके तो आओ सेल। अच्छा, तो लाओ। सस्पेंस है ये? हाँ सस्पेंस है, पहले सेल लेके आओ। ओके जल्दी से, आबरा का डाबरा ये लीजिए सर। है क्या ये तो बता दे। अभी बता रहा है, ऑन हो गया। हो गया, दिखा दे अब। ये है मम्मी एक स्पिरिट बॉक्स, भूतों से बात करने का यंत्र। फैस्मोफोबिया जो गेम होती थी ना, हाँ। उसमें ये वाला यंत्र होता था, तो इसमें भूतों से बात कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो नहीं पता। अब तूने भूतों से बात करनी है? हाँ। घर में मत करी। हेलो आर यू हियर? अभी घर में भूत भूत मत फैला ली। आर यू हियर? इफ यू आर हियर प्लीज गिव अस अ साइन, गिव अस अ साइन, हेलो गिव अस अ साइन। अब इस रूम में तो इसको भूत नहीं मिले, कह रहा है ये वाला रूम थोड़ा भूतिया है। अरे यहाँ पे पोलू ने कई बार बोला है कि उसको कुछ फील होता था डरावना था। हेलो कोई है? तो तू क्या साबित करना चाहता है हमारा घर भूतिया है? चेक कर रहा हूँ। हेलो कोई है? कोई है तो साइन दे दो। अपने रूम में जा, वहाँ साइन मिल जाएगा तेरे को। मिलेगा कोई भूत आसपास है तो साइन दो। बस नहीं मिला ना भूत? नहीं, और भूत कहता सबसे बड़ा भूत तो यही है। अरे एक बात बताओ, गुरुबख्श चाचा जी के घर गए हुए बहुत टाइम हो गया, सो बेसिकली गुरुबख्श चाचा जी जो है वो मेरे दादाजी के जो है छोटे भाई, छोटे दादाजी, वो रिटायर्ड क्या है, आर्मी ऑफिसर, वो आर्मी में ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर जी आर मल्लन, और उनको VSM मिला हुआ है, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम इंडियन आर्मी। बहुत इंटेलिजेंट है वो। पता है वो इतने इंटेलिजेंट है, किस लिए मिला था? बिकॉज ही रेक्टिफाइड मिसाइल फ्रॉम फ्रांस। जब गवर्नमेंट को पता लगा तो गवर्नमेंट ने उसने VSM दिया और रशिया भेज दिया था। उसके बाद तेरे दादाजी एयरफोर्स में, उनको अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेडल मिला हुआ है। और क्या बात, 65-71 की वार में तेरे दादाजी ने पार्टिसिपेट करा है। और मेरा कजन आर्मी में कैप्टन था, नागालैंड में एम्ब्यूश के अंदर ना उसके यहाँ पे गोली लगी थी। तो आप कैसे बिजनेसमैन रहे? मैं भी आर्मी में गया था। हाँ। पर गया कि मेरी मेडिकल में जाके मेरी वो फिटनेस में रह गया था। मैं मीठा कम खाना था ना, मेरी सिलेक्शन हुई आर्मी में। तब भी पापा मेरे भी पीछे पड़े हुए थे कि आर्मी का पेपर दे, क्योंकि जब मैं जेई के पेपर की तैयारी कर रहा था। वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी।
हमारे खून में है बिल्कुल सही बात। लेट आओ हेलो डिंपल रानी आजो। तारा आ चुका है, मम्मी ने सुबह से फास्ट रखा हुआ है, अब वक्त आ गया है फास्ट खोलने का। चाची ने फोन करके बोला तारा आ गया है, पर तारा कहाँ है? अरे वो रहा कहाँ अभी चाय वो दे हाँ दिख गया दिख गया दिख गया कहाँ है ओ दिखा दो दिख गया वो दिख गया दिख गया ओए होए। इस व्रत से होता क्या है ये तो बता दो। बच्चों की तंदुरुस्ती लंबी उम्र के लिए, देख रहे हो हमारी तंदुरुस्ती के लिए मम्मी ने फास्ट रखा है सुबह से। फाइनली अब जाके कुछ खाया है मम्मी ने, पानी पिया है। मुझे भी खिलाओ यार, बहुत टेस्टी है। लो आइए सर आप खाओ यार, आपको ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। और खाओ एक बार और। लो। तंदुरुस्ती की वैसे जरूरत हमें कम, आपको ज्यादा है इस वक्त। आप तंदुरुस्त रहा करो, खुद के बेचारे के लात में इतनी दर्द शुरू हो गई है। तुम ठीक तो मैं आपके लिए फास्ट रखूंगा तो आपकी लात ठीक हो जाएगी ना, मैं भी रखूंगा। के तो खाना वाना हमारा हो गया है, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं। और ना अभिषेक गया हुआ है तो ये भाई साहब बेचारे बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा हम सोने जा रहे हैं या तू थोड़ा घूम फिरा गेड़ी शेड़ी मारा दोस्तों के साथ, तो ये हो गया रेडी। कितने प्यारे पेरेंट्स हैं, ये जा रहे हैं घूमने के, तू भी घूम फिर लिया कर। और क्या, वरना पता है पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है। एम ही परेशान हो रहा था बैठा बैठा, तो मैंने कहा चल थोड़ा घूम फिरा, तो तू जा घूमने हम जा रहे हैं सोने। भाई एक ट्रिप पे ले चलो। हाँ हम, मैं तो कह ही रही हूँ चल लो यार, कसम से भाई बहुत। तूने लेके जाना है हमें, तुमने लेके जाना है, हमने थोड़ी ना तुम्हें लेके जाना है। मैं तो लेके जा रहा था स्विट्जरलैंड। हाँ तो वो कैंसिल, वो कैंसिल हो गया। तो दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। अब आप करो मेहनत। अच्छा वहाँ जाना पड़ता है वीजा लगवाने, और नहीं तो क्या। हम जा रहे हैं सोने, ये जा रहा है घूमने, और आप वीडियो को लाइक कर दो, कल फिर मिलेंगे। ओके बाय। दिन लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क चेचना।